जनवरी माह से लगने वाले माघ मेला को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बार माघ मेला मिनी कुंभ के तर्ज में सजेगा, जिसको लेकर मेला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मेला में मिट्टी का समतलीकरण और पीपा पुल का निर्माण तेज हो गया है, क्योंकि दिसंबर माह के लास्ट तक मेला का कार्य पूरा होने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेशित किया, जिसको लेकर मेला क्षेत्र में तेजी के साथ काम शुरू हो गया है। मेला क्षेत्र में 7 पीपा के पुल बनाए जाएँ, जिसको लेकर 2 पीपा के पुल बनना शुरू हो गए हैं। मेला में किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं का असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जलकल विभाग से लेकर विद्युत विभाग सभी तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे कार्य पूरा हो सके। जनवरी माह के लगने वाले माघ मेला को लेकर जिस तरह से सूबे की सरकार और जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में जुट गया, आप देख सकते हैं। हम इस समय संगम क्षेत्र में हैं, जहाँ से जनवरी माह से माघ मेला का आयोजन है। माघ मेले के पर्व को लेकर पूरी तैयारी जोरों शोरों चल रही है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे यहाँ पे पीपा पुल का जो निर्माण है, जो माघ मेले का एक सौंदर्य मतलब जो एक केंद्र होता है, जो आकर्षण का केंद्र होता है, यहाँ पे एक पीपा पुल बनाए जाते हैं, जिससे श्रद्धालु जो होता है वो अपने सेक्टर से अलग अलग सेक्टर से आवागमन करते हैं। और पूरे माह यहाँ पे जो कल्पवासी होते हैं वो तंबुओं में रहते हैं, उसको लेकर पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई। यहाँ तक कि जमीन की जो कटान है, जमीन की जो समतलीकरण है, वो भी चालू हो गया। आप देख सकते हैं ये एक मार्ग है जो पहला पीपा पुल का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं यही पीपा का पुल है जो संगम क्षेत्र को सीधे झूसी वाले क्षेत्र को जोड़ता है। और जहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से तैयारियाँ चल रही है, कहीं ना कहीं माघ मेला जनवरी दिसंबर माह के अंत तक में पीपा पुल तैयार हो जाएगा। इस बार लगभग 6 सेक्टर में मेला बताहट हो रहा है और 7 पीपा का पुल का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे अभी 2 पीपा पुल का निर्माण चल रहा है। और मेला के शुरुआत से पहले प्रशासन की तरफ से यह बताया भी गया है कि बहुत जल्द ही सारे पीपा का पुल तैयार हो जाएगा और लोगों की बसाहट हो जाएगी। और मेला का जो इस बार जो तर्ज दिया गया है, सरकार ने जो कहा है कि मिनी कुंभ के तर्ज में मेला की बसाहट, श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएँ मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार ये भी देखा जा रहा है कि जिस वजह से उत्तराखंड से जो जल क्षेत्र छोड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं दलदली मिट्टी होने के कारण मेला प्रशासन को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मेले की तैयारियां लेट नज़र आ रही है, क्योंकि अगर पिछले वर्ष की तुलना किया जाए तो इस वर्ष मेला पूरी तरीके से सज गया था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मेला प्रशासन इस बार लगातार यह दावा कर रहा है कि हम जनवरी से पहले मेला पूरी तरीके से बता देंगे और श्रद्धालुओं का आगमन होगा, उनको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, इसका भी पूरी सुविधाएँ दी जा रही है। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।